जय जिनेन्द्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि विद्या गुरु के संस्मरण आप तक नियमित पहुंचते रहें। तो दोस्तों, प्रस्तुत प्रसंग हमने श्रवण परंपरा संप्रवाहक पुस्तिका क्रमांक 3 से लिया है। तो बात उस समय की है जब आचार्य भगवंत ससंग सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान थे। एक दिन की बात है, आचार्य भगवंत आहारचर्या को निकले, परंतु थोड़े से ही आहार हुए थे कि गुरुदेव को अंतराय आ गया। तो सभी साधुओं ने सोचा कि आज गुरुदेव को अंतराय आया है तो निश्चित ही आज विहार नहीं होगा, और इसी वजह से सारे साधुगण निश्चिंत हो गए। पर ये क्या, दोपहर के करीब 2:30 बज रहे थे और गुरुदेव ने अपना कमंडलू उठाया और बड़े बाबा के मंदिर की ओर चल दिए। अब रास्ते में संघस्थ मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने गुरुवर को जब अकेले पहाड़ की ओर जाते देखा तो उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव दर्शन करने चलना है क्या? तब गुरुदेव ने सहज ही बोला कि हाँ, दर्शन करने चलना है और उसके बाद विहार भी करना है। दोस्तों, यह सुनकर सभी साधुओं ने जल्दी जल्दी अपने अपने ग्रंथ आदि रखे और आचार्य भगवंत के पीछे पीछे विहार कर दिया। अब रास्ते में साधु जन आपस में चर्चा करते जा रहे थे कि अंतराय में कैसे विहार कर दिया गुरुदेव ने, आहार में वैसे भी कुछ लेते नहीं है और अंतराय में भी विहार कर दिया, धूप भी देखो कितनी तेज हो रही है। और इसी तरह दुखी मन से सभी साधुजन आचार्य भगवंत के आसपास पहुंच गए। अब कुंडलपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी कटनी रोड पर बर्रट ग्राम पहुंचने पर थोड़ी ही देर में अचानक एक छोटी सी बदली आई और बड़ी बड़ी बूंदों के साथ पानी गिरने लगा। सभी महाराजगढ़ जो थे वे भीग चुके थे। और तभी मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज ने आचार्य भगवंत के, जो कि बाजू में चल रहे थे, उनके मुख से अचानक निकल गया कि बड़े बाबा अपने छोटे बाबा का बड़ा ध्यान रखते हैं, आज अंतराय है, गर्मी ना बढ़ जाए इसलिए ठंडक की व्यवस्था कर दी। देखो तो यहाँ के अलावा आगे पीछे और कहीं बादल पानी तक नहीं दिख रहा है। दोस्तों, यह सुनकर आचार्य भगवान थोड़ी देर बाद बोले, अरे भैया, बड़े बाबा का जो ध्यान करता है उसकी व्यवस्था वे अपने आप हो जाती है। और तभी मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, आप ही तो कहते हैं कि बड़े बाबा की रेंज बहुत बड़ी है, वे वहां पर बैठे बैठे सब काम कर देते हैं, फिर छोटे बाबा के लिए भी तो बड़े बाबा बहुत अच्छे लगते हैं, तो बड़े बाबा भी छोटे बाबा का पूरा ध्यान रखते हैं। और दोस्तों, यह बातें होते होते पानी बंद हो चुका था। तभी एक श्रावक कुंडलपुर से आ रहा था और उसने अपने वाहन से उतरे और किसी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों भैया, कुंडलपुर में भी पानी गिर रहा है क्या? तभी वे सज्जन बोले, अरे 2 किलोमीटर दूर भी पानी नहीं है और कुंडलपुर में तो एक बूंद तक नहीं है। यह सुनकर आचार्य भगवंत सहज ही बोले, जो मोक्ष मार्ग में आगम के अनुसार चलता है उसकी व्यवस्था सहज में हो जाती है, इसीलिए हमें मार्ग से विपरीत नहीं चलना चाहिए, उसके अनुकूल ही चलना चाहिए। तो दोस्तों, यह जो प्रसंग है वह सुदृढ़ संकल्प शक्ति का परिणाम है, जिससे बाधाएं भी साधक कारण बनकर साधना करने वाले की सहायता करती है। सचमुच दोस्तों, आचार्य महाराज अतिथि है, वे कब कहां पहुंचेंगे, कहां नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनका यह अनियत विहार कठिन भले ही है, लेकिन बड़ा स्वाश्रित है। दोस्तों, विहार की बात पहले से कह देने में दो मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरुदेव कभी भी पहले से क्यों नहीं सोचते और ना ही संकेत देते हैं। तो इसके दो कारण हैं। यदि किसी कारण निर्धारित समय पर विहार नहीं कर पाए तो झूठ का दोष लगेगा, और जब तक विहार नहीं किया जा सका तब तक विहार का विकल्प बना रहेगा। इससे अच्छा है कि क्षण भर में निर्णय लिया जाए और हवा की तरह निसंग होकर निकल पड़े,
और आगे क्या होगा इसकी जरा भी चिंता नहीं करते हैं गुरुदेव। यही तो निर्द्वंद साधना है गुरुदेव की। ऐसे संत शिरोमणि अध्यात्म योगी जगत आराध्य आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नए संस्मरण के साथ, तब तक गुरु भक्ति में लीन रहें और अपना ध्यान रखें। सादर जय जिनेंद्र।